आप सभी को स्वागत है हिमाचल माइंड गुरुजी गेमिंग पर। और पहले आपको यार घर बनाने के लिए सबसे पहले 10 कंक्रीट लगाने हैं लाइन में, व्हाइट कंक्रीट। उसके बाद में साइड में इसके 5 कंक्रीट लगाने हैं भाई। और इसके बाद में गाइस जो बीच का अपना एरिया है इसके इस अंदर इसको पूरा फिलअप कर देना है। करने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद में आपको डार्क प्लैंक लेना है और उसको जो एक ब्लॉक छोड़ के कुछ इस तरीके से लगा देना है यहाँ पे। और इस साइड यहाँ पे आपको 4 ब्लॉक लगाने हैं और 4 ब्लॉक को पूरा इस तरफ दूसरी तरफ तक लेके जाना है। और इस साइड भी आपको इस तरीके से लगा देना है और आखिरी ब्लॉक तक लगाना है, जो आखिरी ब्लॉक बचेगा उस तक। तो गाइस इस तरीके से लगाने के बाद में ये गाइस कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो गाइस इसके बाद में आपको कंक्रीट की एक और लेयर लगा देनी है इस वाले की साइड में और एक लेयर को पूरा लास्ट तक लेके जाना है इधर तक। और गाइस इसके बाद में आपको एक ब्लॉक यहाँ लगाना है, एक ब्लॉक कोने में लगाना है और फिर एक ब्लॉक इस कोने में। और उसके बाद में आपको एक एक ब्लॉक छोड़ के लगाना है। और सॉरी एक ब्लॉक गलत लग गया ये वाला, इसकी जगह पे यहाँ लगाना है ये, ताकि ग्लास प्लेन टेटा हो जाए थोड़ा सा और बढ़िया लुक देगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे ब्लैक कलर का ग्लास प्लेन लगाना है गाइस कुछ इस तरीके से। और ग्लास प्लेन लगाएंगे इसके अंदर पूरे के अंदर और फिर यहाँ पर एक कंक्रीट लगा देंगे जिससे पूरा कवर अप हो जाएगा। और इसके बाद में गाइस यहाँ पर ब्लैक कंक्रीट की 2 लेयर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 2 आगे तक जाएंगे ब्लॉक इस तरीके से और ये कोई 3 ब्लॉक आएंगे गाइस पूरे लास्ट तक जाएंगे ये कुछ इस तरीके से सेम। और गाइस ये पूरा चारों तरफ होएगा ये। तरफ कुछ इस तरीके से करना है बिल्कुल सेम, जिससे बिल्कुल बराबर की लुक आए। और इस तरीके से करना है गाइस पूरा तीनों तरफ। और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और गाइस इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको ये जो स्लैब्स होते हैं ना, ये वाले स्लैब लेने हैं और स्लैब से इसकी जो छत वाली कवर है उसके ऊपर वाली साइड से यहाँ पर पूरा स्लैब कवर कर देना है भाई, पूरा स्लैब लगा देने हैं। लगाने के बाद में ब्लैक कंक्रीट वाले लेयर पे एक लेयर और लगानी है पूरी पूरी ब्लैक कंक्रीट की। तो गाइस इस तरीके से चारों तरफ ब्लैक कंक्रीट की एक पूरी लेयर और आएगी इस तरीके से और ये यहाँ तक आएगी गाइस। गाइस इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको यहाँ पर ग्लास प्लेन लगाना, पहले एक ब्लॉक और लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस आपको पहले एक चीज देखनी है कि एक आपको थोड़े से गैप छोड़ के आपको यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना है, लगभग बीच में लगाना आप जो स्लैब्स है उनके। और उसके बाद में गाइस आपको कुछ ब्लॉक आगे लेके जाना, 4 ब्लॉक ले जाना आगे। और फिर गाइस जो दूसरी तरफ स्लैब का खत्म हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे स्लैब खत्म हो रहा है इसके नीचे की तरफ से यहाँ पर लगाना है आपको। और फिर गाइस आपको इसको वापस मैच कर देना है इससे कुछ इस तरीके से, आप देख लो किस तरीके से करना है, जैसे मैं करना वैसे करना। उसके बाद में एक कॉर्नर्स को मैच कर देना है, एक बॉक्स जैसा कुछ बना देना है। और भाई ये देखो बॉक्स बनाने के लिए आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से और फिर गाइस ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ऐसे करने के बाद में आपको यहाँ पर ये व्हाइट कंक्रीट लगा देना है और व्हाइट कंक्रीट गाइस इस तरीके से लगाना है यहाँ पे। और फिर भाई ये बहुत खतरनाक लुक देगा ब्लैक और ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसके बाद में यहाँ पे ग्लास प्लेन लगा देना है जितनी भी जगह बचती है यहाँ पे। उसके बाद में आपने जो ये ब्लैक कंक्रीट वाली लेयर लगाई थी इसके ऊपर यहाँ पे आपको ब्लैक कंक्रीट एक और लगाना है इस तरीके से। और फिर यहाँ पे 2 लगा के मतलब एक का गैप बना के इसको कॉर्नर तक लेके जाना है यहाँ पे। और इस कॉर्नर तक लेके जाने के बाद में एक नीचे लगा देना है और फिर इसी तरीके से भाई इसको आगे लेके जाना है। और इस कॉर्नर पे भी गाइस एक नीचे लगेगा और यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है और इसको बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल सेम होना चाहिए ये। तो गाइस इस तरीके से लगा देना आपको। और ऐसा करने के बाद में गाइस आपको बीच बीच में एक एक लगाना पड़ेगा, एक एक का गैप छोड़ के इस तरीके से। और लास्ट में 2 का गैप बचेगा जहाँ तक मैंने सोचा है, मतलब कोशिश तो ये की हाँ भाई 2 का गैप बच रहा है तो ये थोड़ा अच्छा लगता है यार। और इसके बाद में गाइस आपको ग्लास प्लेन लगा देना है इसके बीचों बीच। गाइस ग्लास प्लेन लगा दिए हैं और ग्लास प्लेन लगाने के बाद में गाइस आपको व्हाइट कंक्रीट लेना है और ये साइड वाली जगह बची हुई है यहाँ पर आपको व्हाइट कंक्रीट से भर देना ताकि भाई गंदा ना लगे, खाली जगह बची है जो। और फिर साइड वाली जगह पे भी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना। उसके बाद में गाइस आपको आगे जाना है और फिर इस कॉर्नर में जाने के बाद में आपको ये वाले ब्लॉक तोड़ देने हैं। ये मैंने पहले गलत लगाए थे लेकिन यार ये बाद में पता चलता है। और चारों तरफ से गाइस आपको व्हाइट कॉर्नर कर देने हैं इस तरीके से। ये जो मैंने ब्लैक लगाए थे ना पहले, वो एक बार देखने के लिए लगाए हैं ताकि बाद में मैच ना हो जाए। और उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर व्हाइट कंक्रीट लगाना है। और गाइस इसके बाद में आपको इसके ऊपर एक ब्लैक कंक्रीट, एक और व्हाइट कंक्रीट की लेयर बनानी है।
और इसके बाद में गाइस आपको ब्लैक कंक्रीट की लेयर बनानी है। और ये जो बीच में गाइस आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पर एक और ब्लैक कंक्रीट की लेयर लगा देनी है। और यहाँ पर यार मैंने एक ब्लॉक गलत लगा दिया। हाँ तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप पूरा इसको कर सकते हो। इसके बाद में गाइस स्लैब की एक लेयर नीचे लगा दी भाई मैंने, तो स्लैब की एक लेयर लगानी है जो कि थोड़ी ऊपर वाली साइड होनी चाहिए, ताकि नीचे एक थोड़ा गैप अच्छा बच जाए। और गाइस इस तरीके से आपको लगा देना है ये। और गाइस अब पूरा अपना फ्लोर तैयार हो चुका है ऊपर वाला, वैसे बस ऊपर वाली लेयर पे और स्लैब्स लगाने हैं। इसके बाद में आपको घर की इस वाली साइड पे आ जाना है जहाँ पे थोड़ा सा खाली लग रहा है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे ब्लैक कंक्रीट लगा देना ऊपर तक। ये जो आपका घर है इससे एक ब्लॉक ऊपर जाना चाहिए ये इस तरीके से, और एक का गैप भी होना चाहिए। इसके बाद में गाइस आपको चार ब्लॉक तक आगे लेके जाना है इस तरीके से, और फिर यहाँ पर एक इसको नीचे तक मैच कर देना है। और फिर आपको एक बॉक्स सा बना देना है, और इसके बीच में गाइस आपको व्हाइट कंक्रीट भर देना है। और बीच में एक जगह खाली रहनी चाहिए जो आप जिसके अंदर आपका ग्लास प्लेन आएगा। और गाइस इसके अंदर फिर आपको ग्लास प्लेन लगा देना। अरे भाई क्या, हाँ ग्लास प्लेन लगा देना गाइस इस तरीके से। और इसके बाद में आपको इस बॉक्स को बंद भी करना पड़ेगा इस साइड से, यहाँ पर आपको और लगाने पड़ेंगे कंक्रीट। तो गाइस इस तरीके से लगा देना है यहाँ पर कंक्रीट। मैंने बीच में एक गैप खाली छोड़ा है ताकि मैं उसमें व्हाइट कंक्रीट लगा सकूँ, और यहाँ पर आपको गाइस व्हाइट कंक्रीट लगा देना है इस तरीके से। गाइस जो बीच में आपको ये गैप नजर आ रहा है एक ब्लॉक का, उसके अंदर गाइस आपको एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर स्लैब्स लगा देने हैं स्मूथ वाले जो मैंने लिए हैं, जिससे मैंने छत बनाई थी वही उसी से बनाना है आपको ये पूरा। और गाइस यहाँ तक लेके जाना बराबर तक। ये भाई बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ से अब ये, और काफी बढ़िया लुक देने लग गया है। तो गाइस इसके बाद में आपको अंदर जाना है, और अंदर से जो जगह खुली है गाइस यहाँ पे जो स्लैब्स लगा रखे हैं उसके अंदर, यहाँ पे भी आपको एक छत बना देनी है इस तरीके से। और पूरा गाइस इसको कवर कर देना है यहाँ पे पूरा आगे तक। आपको अपना व्हाइट कंक्रीट लेना है और जो साइड वाली लेयर है इसके साइड में लगा देना है कुछ इस तरीके से, और पूरा इस तरीके से बना देना गाइस। और इसके बाद में यहाँ पर गाइस ये, अच्छा ये मैंने गलत लगा दिया, तो यहाँ पर एक ब्लैक एंड व्हाइट जेब्रा जैसा बनाना है आपको। पहले पहले व्हाइट लगा दिया, अब ब्लैक लगाने दो, फिर वापस व्हाइट, फिर वापस ब्लैक, फिर वापस व्हाइट। तो गाइस कुछ इस तरीके से लगाना है। ये मैंने फिर से ब्लैक लगाया, और अब ये मैंने व्हाइट, ब्लैक, फिर व्हाइट और फिर ब्लैक और फिर व्हाइट और फिर ब्लैक। गाइस इस तरीके से कुछ जैबरा जैसा बना देना है। बाद में हम यहाँ पे गेट बना देंगे, लेकिन एक बार पैटर्न तो मैच कर ले पूरा। तो गाइस ये ऊपर वाली जगह भी थोड़ी सी खुली है, तो यहाँ पर भी आपको स्लैब्स लगा देने हैं ताकि ये जगह फिल हो जाए। तो गाइस ये लुक बहुत बढ़िया देता है इस तरीके से, और यहाँ पर भी आपको स्लैब्स लगा देने हैं। ये स्लैब्स भी भाई बहुत बढ़िया लुक देते हैं स्मूथ वाले। तो गाइस ये भी आपका एक कमरा बनेगा, और यहाँ पर आपके बढ़िया सा कमरा बन जाएगा ऊपर वाला लॉबी वाला। तो इसके बाद में आपको यहाँ पे व्हाइट कंक्रीट लगा देना है कुछ इस तरीके से, और व्हाइट कंक्रीट को गाइस थोड़ा सा आगे भी लेके जाना है यहाँ तक। और गाइस अब ये काफी बढ़िया लुक देने लग गया है। तो इसके बाद में आपको ग्लास प्लेन लगा देने हैं, और ग्लास प्लेन यार वैसे भी बहुत बढ़िया लुक देते हैं, ब्लैक वाले तो बहुत बढ़िया लुक लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के साथ। तो गाइस यहाँ पर आपको ग्लास प्लेन लगा देना है कुछ इस तरीके से, पूरा कवर कर देना है। और ग्लास प्लेन गाइस हो चुका है। इसके बाद बारी आती है एक डोर लगाने की, और आपको यहाँ से दो ब्लॉक तोड़ देने हैं, यहाँ पे एक डोर लगा देना है जो गैप बचा उसके अंदर। और गाइस ये भी आपका एक रूम है, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन। तो गाइस इसके बाद में आपको कॉर्नर में एक स्लैब लगा देना है, उसके नीचे आपको जैसे चेन लगानी है, उसके नीचे आपको ये लैंटेन लगा देना है। और इसी तरीके से आपको गाइस सारे कोनों के अंदर ये लैंटेन लगा देना है। तो भाई इससे रोशनी हो जाएगी और लुक भी नहीं बिगड़ेगा भाई, टॉर्चेस से यार काफी ज्यादा लुक बिगड़ जाता है, इसलिए आपको ये लैंटर्न लगाने के लिए मैं कह रहा हूँ। और गाइस इसके बाद में आपको इस तरीके से लगा देना है, और ये जो ऊपर वाली जगह बची है उसमें स्लैब लगा देता हूँ, इस साइड भी बची यहाँ पे भी, और गाइस इस कॉर्नर में भी लगा देता हूँ। तो गाइस काफी बढ़िया लुक हो जाती है, साथ में रोशनी भी ये काफी ज्यादा बढ़िया देते हैं लेंटन। तो गाइस अब अपना काम हो चुका है यहाँ का। जैसे आपने ऊपर की तरफ लगाए थे वैसे ही आपको नीचे की तरफ भी कॉर्नर्स में लगा देना है, जैसे मैंने ऊपर लगाए थे गाइस। और इसी तरीके से मैं नीचे वाले कॉर्नर्स में भी लगा देता हूँ, क्योंकि भाई नीचे भी रोशनी होनी जरूरी है। और भाई यहाँ पर भी लगा देता हूँ, तो भाई चारों तरफ इससे रोशनी हो जाएगी, और मतलब मॉब्स भी स्पॉन नहीं होंगे आपके घर के अंदर, इसलिए भाई ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में आपको डोर बनाने हैं। डोर बनाने के लिए आपको ये जो बीच वाली जगह है इसको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर एक डोर आएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो दो वाले दिख रहे हैं व्हाइट ब्लॉक, और यहाँ पर ये वाला ब्लॉक यार थोड़ा खराब लग रहा है, इसको तोड़ देते हैं थोड़ा सा, ये वाला ब्लॉक पार जाते वक्त खराब लगेगा। हाँ तो वैसे इतना भी ठीक है। और यहाँ पर आपको गाइस दो डोर लगा देने हैं, डोर की आपकी मर्जी है, कोई भी डोर लगा सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैंने डोर लगा दिए हैं, और यहाँ पर भी लगा दिए हैं, और इतने डोर काफी है मेरे हिसाब से घर के अंदर, भाई आप खुद बताओ। गाइस आपको स्टेयर्स लगा देनी है, अपने जो डोर है उसके नीचे स्टेयर लगा देनी है कुछ इस तरीके से। और गाइस इसके बाद में आपको लैडर लगा देनी है यहाँ पर, जो आपको ब्लॉक तो ब्लॉक भी तोड़ने पड़ेंगे आपको, ये वाले तोड़ लेना, और यहाँ पर आपको ये लगानी है सीढ़ियाँ। तो गाइस ये यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी कम है, इसलिए मैं यहाँ पर भी एक और लगा देता हूँ, ये सी लैंटर्न, सी लैंटर्न नहीं है सॉरी, ये भाई सिंपल वाला लैंटर्न है। वही इसके बाद में आपको नीचे जाना है, और भाई जो ये होती है लीव्स, आपको ये लीव्स ले लेनी है। और गाइस इसके बाद में शल्कर बॉक्स लिया है मैंने काफी सारे, और शल्कर बॉक्स से यार घर के अंदर चेस्ट इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन शल्कर बॉक्स काफी अच्छे लगते हैं। और मैं यहाँ पर बैट ले रहा हूँ ऑरेंज कलर का, तो ये मेरे को थोड़ा ठीक लगते हैं ऑरेंज कलर वाले बैड।
गाइस आपको बेड लेने हैं और कुछ इस तरीके से बेड लगा देने हैं। और भाई एक बेड यहाँ पर भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, तो गाइस ज्यादा लोग तो होते नहीं है इसलिए आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शल्कर बॉक्स सजाने के लिए मैंने लगाए हैं, आपको तो यहाँ पे चेस्ट लगानी है भाई, काफी ज्यादा मस्त लगते हैं ये शल्कर बॉक्स मेरे को। यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं और यहाँ पे पिंक वाले लगा देता हूँ। तो गाइस इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी लगा देते हैं शल्कर बॉक्स, फुल मस्त लगेंगे भाई। तो आप बताओ आपको घर के अंदर शल्कर बॉक्स अच्छे लग रहे हैं? वैसे काम के भी हैं यार बहुत ज्यादा शल्कर बॉक्स, सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं लगाए मैंने, क्योंकि यार इसके अंदर चीजें भी रख सकते हो आप, और ऊपर भी लगा देता हूँ ये थोड़े से। तो गाइस शल्कर बॉक्स का काफी अच्छा काम हो गया, और इस कमरे में भी एक बेड लगा देता हूँ, ऊपर भी होना चाहिए ना एक बेड, और यहाँ पर एक शल्कर बॉक्स लगा दिया भाई मैंने ग्रीन कलर का। तो गाइस इसके बाद में आपको स्टेयर्स लेनी है, और स्टेयर्स कुछ इस तरीके से लगा देनी है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का लुक काफी ज्यादा बढ़िया लगता है भाई, तो यहाँ पर इस तरीके से लगा देनी है। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो गया था ना इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्टेयर्स लगा दी है। और उसके बाद में गाइस आपको नीचे की तरफ नीचे जाना है, मतलब नीचे की तरफ नहीं जाना भाई। और उसके बाद में गाइस आपको ये जो ये होती है लीव्स ओक वाली, ये आपको इजीली मिल जाएगी, शीयर्स से लोगे या फिर आप सिलिट्रस से लोगे। और उसके बाद में गाइस आपको ये घर के चारों तरफ इस तरीके से बिछा देनी है, तो गाइस ये इससे भी बहुत बढ़िया लुक मिलती है यार। ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो आपके मॉडर्न हाउस को और ज्यादा मॉडर्न बना देती है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ लगा देना है, और अब देखो भाई घर की लुक कितनी ज्यादा भयंकर और शानदार आने वाली है भाई, बहुत ज्यादा मस्त दिख रहा है मेरे को तो घर। और भाई यार मेरे को काफी बढ़िया भी लगा, मेहनत भी काफी लगी है ना। तो इसके बाद में गाइस आपको कोने में भी सी लैंटेन लगा देनी है यार, इसको बार बार सी लैंटेन क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं। तो गाइस इसके बाद में आपको कोने में भी हर कोने में आपको ये लगा देना है एक एक, ताकि बाहर भी रोशनी रहे करके और अंधेरे में भी आपका घर भाई बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा, ये बात पक्की है भाई। और काफी ज्यादा सुंदर लगने वाला आपका घर, इस साइड से भी काफी बढ़िया लग रहा है और दूसरी साइड से तो भाई और भी, इस वाले साइड से सबसे बढ़िया लग रहा है भाई मेरे को। आप बताओ का कौन सी साइड से सबसे बढ़िया घर लगा है? और गाइस इसके बाद में आपको साइड्स में स्टेयर्स लगा देनी है, ये वाली गलत लग गई भाई, इसकी वजह से ये भी गलत होगी। तो गाइस इस तरीके से स्टेयर्स लगा देनी है, और चारों तरफ स्टेयर लगानी है इस तरीके से। तो गाइस स्टेयर ये लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना शानदार वाली लुक नहीं आती, और इससे भाई लुक बिल्कुल अलग सी हो जाती है स्टेयर्स के साथ। तो गाइस इस तरीके से स्टेयर्स लगा देनी है चारों तरफ आपको। और अब भाई इस वाली साइड से देखो, इस वाली साइड से भी काफी बढ़िया लुक दे रही है, लुक दे रहा है भाई घर। और आप बताओ इसके अंदर आपको कोई कमी नजर आ रही है तो बताना मेरे को। तो ऊपर की साइड भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ब्लैक हो गया, यहाँ पर भी स्टेयर्स लगा देते हैं, ये एक उल्टी लग गई भाई। हाँ तो इस साइड भी लगा देते हैं, पूरा इसको कवर कर देते हैं। तो गाइस अब अपनी स्टेयर्स लग चुकी है, अपना मॉडर्न हाउस बन के तैयार हो चुका है भाई, काफी ज्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में। और भाई वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा क्योंकि मैंने इसमें काफी मेहनत की है, और ये घर तो भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको एक और हाउस का ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करके बताओ, और अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको ये थोड़ा सा। तो ये शल्कर बॉक्स हमारे सिंपल है, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी बहुत और अच्छी करनी है तो आप यहाँ पर और ले लगा सकते हो लीव्स। तो गाइस ये काफी बढ़िया लग रहा है मेरे को तो, और आप बताओ भाई कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है। ये हमारे ऊपर का फ्लोर जहाँ पर आप एंचेंटमेंट रूम भी बना सकते हो। तो गाइस सब्सक्राइब किए बिना मत जाना भाई, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर देना। आज वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।